आ गया भाई भारत का स्क्वाड जो खेलने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप। मैं पहले नाम बताना चाहूंगा, ये BCCI के अपने सोशल मीडिया पे आया है, एक्स अकाउंट पे आया है, फेसबुक पे आया है, इंडिया स्क्वाड फॉर ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2024 अनाउंस्ड। लेट्स गेट रेडी टू चेयर फॉर टीम इंडिया। हे प्रभु, इस बार भारत को जरूर जिताई। और इस बार मैं पहले कहना चाहूंगा, जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा है ना। मुंबई इंडियंस में देखोगे हम लोग का IPL में तो हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया है, और यही हार्दिक पांड्या इस टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बना हुआ है। दूसरा में वाई जायसवाल है भाई 2 नंबर में, विराट कोहली 3 नंबर में, सूर्य कुमार यादव 4 नंबर में, ठीक बा, अच्छा है। हार्दिक पांड्या भी है, वाइस कैप्टन है। 2 विकेट कीपर है, एक तो ऋषभ पंत है, एक तो संजू सैमसन है, उसके बाद शिवम दुबे और जडेजा भाई ठीक है, और ए पटेल है, और के यादव है, वाई चहल है, ए सिंह है जो बॉलर है पंजाबी वाला, बढ़िया बॉलिंग करता है, बुमराह भी है, मोहम्मद सिराज भी है, शुभमन गुल है, और रिंकू सिंह है, के अहमद है, और ए खान है। यानी ये स्क्वाड पूरा युवा से भरा हुआ है। ये स्क्वाड में जो बॉलर है वो भी युवा के भरा हुआ। और मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे गाइस, कि भारत में जो T20 वर्ल्ड कप इस बार तो नहीं हो रहा है, अदर्स कंट्री में हो रहा है, लेकिन पास्ट में जो भी हुआ हमें उसे सम्मान देना चाहिए। 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप था, ODI वर्ल्ड कप ICC का, इसमें भारत फाइनल में जाकर चूक गया। आज भाई ये बताओ, थोड़ा सा जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, जो हमारे अदर्स कंट्री में जो लोग हेटर्स हैं, भाई पाकिस्तान को मैं हेटर्स में यहाँ इस वीडियो में मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मीम्स देखता हूँ वहां, मैं कहता हूँ भाई इंडिया वर्ल्ड कप जब हारा था तो पाकिस्तान बहुत खुशी से मुझे वहां इंस्टा पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहा है। देखो सभी नहीं होते हैं, अच्छा इंसान भी है, लेकिन जो हेटर्स है वो मैं जो मैसेज कर रहे हैं मैं डायरेक्ट उन लोगों को ब्लॉक कर रहा हूँ। अरे भाई क्रिकेट है, हार जीत होते रहता है, वो लोग मजाक उड़ाने लग रहे। अरे भाई आप ये बताओ, भारत में जो वर्ल्ड कप खेला गया कितना शांति से हर कुछ हो गया, और एक मैच भी मजा ले भारत हार जाए, सभी मैच को जीतते हुए। और इस बार कह रहा था, बच्चा बच्चा कह रहा था कि इस बार का भारत वर्ल्ड कप लेके आ रहा, लेकिन फाइनल में बैड लक के तहत हम हार गए। लेकिन आप सब जानते हैं पूरा देश रोया था एक प्रकार से। आप सब ये भी जानते हो कि ये जो वर्ल्ड कप रहा ना, बहुत ही बढ़िया भारतीय टीम ने खेला है। अब हम ट्रॉफी नहीं ले पाए वो अलग बात है, लेकिन इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, देश का हर युवा से बच्चा से बूढ़ा और पूरा दुनिया भी कह रहा है कि इस बार का T20 का वर्ल्ड कप भारत विजय होकर के आ रहा है। और इस बार का जो स्क्वाड मैंने देखा है बहुत बढ़िया है, कैप्टन रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या को जो वाइस कैप्टन बनाया है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो है ओपन कह रहा हूं, ये वाइस कैप्टन को युवा को बनाना चाहिए, लेकिन हार्दिक पांड्या को बना दिया भाई। और टीम में मोहम्मद शमी को मैंने नहीं देखा, बॉलर भाई बहुत बढ़िया था, मैं यहाँ पे लिस्ट में नहीं देखा बॉलर। और स्क्वाड अच्छा हो सकता था, लेकिन मेरा अगर बताया कि भाई 10 में कितना आपको अच्छा लगा, तो 10 में मेरे को बिल्कुल 4 अच्छा लगा, 6 अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी नहीं मतलब वाइस कैप्टन बना दिया, मोहम्मद शमी भी दिखाई नहीं दे रहा यार। और मेरा ये भी मन था कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है ना, इसमें जो कैप्टन बने कोई युवा बने। याद करिए 2007 का शायद वो दौर, मेरे को उतना याद नहीं यार, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 2007 में धोनी युवा था, नया नया आया था, और वो जो धोनी थे ना उनको कैप्टन बनाया गया, युवा टीम था, कैसे ट्रॉफी हाथ में आया। रोहित शर्मा को हर जगह कैप्टन बनाना भी, भाई ऐसा नहीं है मैं रोहित शर्मा का हेट करता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार उनका, उनका सम्मान करता हूँ। वो किस स्टैंड पर है, वो कहाँ पे, उतना तो भाई क्या ही बोल सकते, लेकिन ये जरूरी था। लेकिन जो भी है मेरे को बढ़िया लगा, मैंने अपना राय बताया, हर किसी का अपना अपना राय है भाई, और
और आपको कैसा लगा टीम इंडिया का स्क्वाड, आप कमेंट नीचे जरूर करना। और हम सब का काम क्या है कि भाई हम लोग सपोर्ट करें, मैच जीते भी तो सपोर्ट करें और मैच हारे भी तो सपोर्ट करें। हम ऐसा नहीं कि भाई मैच जीत गया तो ढोल बजाए, थाली बजाए, दिया जलाए, नहीं, हम मैच हारेंगे भी तो सपोर्ट करेंगे और मैच जीतेंगे भी तो सपोर्ट करेंगे, हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। मैं देख रहा था फाइनल हार गए थे भाई, रो रहे थे भाई, रोना अलग चीज़ है कि आता है भाई 10-15 मिनट रो रहे अलग बात है, वो एक फील होता है भाई, सपोर्ट किए नहीं हो पाया। चंद्रयान 3 के साथ भी तो वही हुआ था ना, चंद्रयान 2 के साथ, लेकिन चंद्रयान 3 ने क्या सक्सेसफुल लैंडिंग किया और उस जगह पे किया जहां आज तक कोई देश नहीं कर पाया। भाई हमारा भारत वो करता है ना काम की कोई दुनिया नहीं करता है। वैक्सीन को लेकर देखो, मेड इन इंडिया पूरा दुनिया में प्रोवाइड हुआ, कितना कुछ हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, और मुझे भाई ठीक ठाक लगा स्क्वाड, आप कमेंट करना कैसा लगा और क्या ही बोल सकते हैं। और मैंने एक फैसला किया है और इस वीडियो पे मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ कि हमारे चैनल पे जो शॉर्ट्स वाला ऑप्शन है ना, वहां पर मैं क्रिकेट का इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसा ये क्रिकेट वाला इन्फॉर्मेशन लॉन्ग वीडियो में नहीं बनाने वाला, शॉर्ट्स पे ही सब अवेलेबल मिलेगा, बहुत सारे जानकारी आपको क्रिकेट रिलेटेड मिल जाएगी, अदर्स गेम का मिल जाएंगे जितना भी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और बहुत गर्मी पड़ रही है, कल से 1 मई है, मई में तो और गर्मी पड़ता है, तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और यहाँ मेरा कोलकाता में ना बहुत गर्मी है, 48-47 चला जा रहा है, तो जो भी है बहुत ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए और चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।